दोस्तों जैसा कि आप ये मॉडल देख पा रहे हो, अगर आज हम इसको डिस्कस करेंगे जिसका साइज है 20x20। जी हाँ दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर ये मॉडल मैंने डिजाइन किया है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर आप इसकी लंबाई की बात करें तो 20 फीट है और चौड़ाई भी इसकी 20 फीट है, मतलब कि 400 स्क्वायर फीट में ये मकान डिजाइन किया है मैंने, जिसमें कि आपका एक ग्राउंड फ्लोर, एक फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर मिल जाता है। तो ये पूरा हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्लान है जैसा कि आप फ्रंट से देख पा रहे होंगे। साइड में आपके चारों तरफ मकान ही बने होंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में मकान होगा तो प्लेन मैंने बना रखा है और भी कुछ यहाँ डिजाइन नहीं किया है। तो ये फ्रंट से जो आपको लुक दिखेगा वो आपको ये फ्रंट का लुक दिखने वाला है जो कि आप देख पा रहे होंगे। लेकिन अगर आप भी कोई मॉडल बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं कि सर हमें कोई मॉडल चाहिए और मैं हो सकता है पॉसिबिलिटी में उसे जरूर डिजाइन करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश जरूर करूंगा कि अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें, इससे मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आप लगातार देख सकें। अगर आपका और भी कोई रिक्वायरमेंट मॉडल है या कुछ भी है तो हमारी आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है smallhouseplan.com, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आपको यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के घर के नक्शे मिल जाते हैं, देखिएगा आपको अलग अलग टाइप, अलग अलग कैटेगरी आपको मिलती है यहाँ पर मकानों की। देखिएगा आप जो भी चाहें वो देख कर यहाँ पर अपना एक आइडिया ले सकते हैं और यहाँ पर आप अकाउंट बनाकर कोई भी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम पूरा डिजाइन इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमेशा की तरीके से हम इसको कर लेते हैं सबसे पहले ट्रांसपेरेंट, और जैसे इसको हम ट्रांसपेरेंट करते हैं तो ये मॉडल पूरा आपको हूबहू बिल्कुल ऊपर से नीचे तक दिखेगा, बिल्कुल ऐसा दिखने वाला है जो कि आप देख पा रहे होंगे। और फ्रंट से आपको बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, बस आपकी दीवारें जो होती हैं वो हाइड हो जाती हैं जो कि आपको दिख रहा होगा ये पूरा मॉडल। तो चलिए इसका हम रिमूव कर लेते हैं ट्रांसपेरेंसी और इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अब ये आ चुका है ओरिजिनल पोजीशन पर, तो सबसे पहले हम चलेंगे इसके ग्राउंड फ्लोर पर। जैसे ग्राउंड फ्लोर पर आप चलते हैं तो ये दिखेगा, ये मॉडल आपको दिखता है ग्राउंड फ्लोर से, मैं जूम कर रहा हूँ, फ्रंट से आपको ऐसा दिखेगा। और अगर इसका टॉप व्यू देखें तो ये टॉप से आपको दिखने वाला, मैं आपकी डिस्कस करूंगा, बताऊंगा आपको कहाँ पर क्या मैंने डिजाइन किया है। अगर हम बात करें सबसे पहले की, देखिएगा इसको सबसे पहले मैंने दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया। देखिए कि लंबा लंबा दीवार बना जिसमें 10 फीट इधर है, अप्रॉक्स 10 इधर है, इस 10 फीट में जो 20 10 बाई 10 के दो रूम निकाल दिए, एक पीछे 10 बाई 10 का अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ दोस्तों, और एक ये 10 बाई 10 रूम का है। अगर एग्जैक्ट साइड जाननी है तो हमारी आप वेबसाइट पर जाएं, वहां पर आपको एग्जैक्ट साइड मिल जाएगी, मतलब साइज मिल जाएगा। तो ये दो तो आपको बेडरूम यहाँ पर निकल जाते हैं और दोनों बेडरूम के लिए देखिए मैंने गेट दिया है जो कि आपको ओपन दिख रहा होगा। इस बेडरूम के लिए अलग से डोर है, इसके लिए अलग से डोर है, और मेन डोर आपका ये है जो कि आप देख पा रहे हो। और इस वाले जो फ्रंट पर आपका रूम है यहाँ पर देखिए एक ग्लासेस मैंने लगा दिए हैं, ये एक विंडो लगा दिया बड़ा सा, और इस तरफ वाले भी पोर्शन पर मैंने विंडो लगा दिया, इसमें वेंटिलेशन की कोई आपको प्रॉब्लम। तो जैसे आप यहाँ पर देखिएगा इंटर करते हैं तो आपको सबसे पहले पीछे मिल जाता है लेटरिंग एंड बाथ, सॉरी किचन आपको मिल जाता है बड़ा सा, और आपको स्टेयर्स के नीचे आपका लेटरिंग एंड बाथरूम मिल जाता है। तो ये पूरा मॉडल था जिसका साइज था 20x20 फर्स्ट का ग्राउंड फ्लोर। अब हम इसका डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर पर आप देखिए स्टेयर्स के माध्यम से जैसे ऊपर आते तो सेम टू सेम दो रूम मिलते हैं आपको, वही किचन बाथरूम, वही लेटरिंग, बस आपका ये छज्जा और ये वाला रूम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 2.5 फीट अप्रॉक्स, और ये आपका डिजाइनिंग के लिए मैंने छज्जा तैयार कर दिया है। तो ये मॉडल हो गया इसका फर्स्ट फ्लोर। अब हम इसके लास्ट फ्लोर को और डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लास्ट फ्लोर पर मैंने फ्रंट वाला रूम दिया और ये जो आपको देख पा रहे होंगे ये मैंने स्टेयर्स को ढक दिया है, और ये बेहतरीन सा मॉडल आपका पूरा रेडी हो जाता है 20x20 में। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर ये मॉडल डिजाइन किया है। तो मॉडल कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तथा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें स्मॉल हाउस प्लान को, और हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।